हेलो दोस्तों, क्या आपको अननोन जगह के बारे में जानना पसंद है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस कोरोना पैंडेमिक पर हम सबको ज्यादा देर तक मास्क पहनना इरिटेटिंग लगता है, क्यों है ना? पर वर्ल्ड में ऐसा एक जगह है जहां लोगों को हमेशा गैस मास्क पहन के रहना पड़ता है। मियाकेजिमा आइलैंड, जापान के टोक्यो से लगभग 180 किलोमीटर साउथ ईस्ट में फिलीपाइन सी का एक वॉल्केनिक आइलैंड है मियाकेजिमा आइलैंड। इस आइलैंड का वॉल्केनो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, इसी वजह से इस आइलैंड पर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल पॉइजनस गैस वॉल्केनो से निकलती रहती है। ये गैसेस लंग के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को हमेशा गैस मास्क पहन के खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इस आइलैंड पर 500 सालों में 13 बार विस्फोट हो चुका है। इनमें 1940, 1962, 1983 और 14 जुलाई 2000 का हुआ विस्फोट सबसे बड़ा है। लास्ट विस्फोट इतना बड़ा था कि वोल्केनो से निकला धुआं आसमानों पर 10 माइल की ऊंचाई तक पहुंचा था। इस विस्फोट की वजह से जून 26 से जुलाई 21 के अंदर 17,500 बार भूकंप आया। इतने भूकंप होने की वजह से सितंबर 2000 में वहाँ का गवर्नमेंट उस आइलैंड को खाली करवाने की परमिशन दिया। 5 साल बाद 1 फरवरी 2005 को उस आइलैंड का बैन हटाया गया, पर एक्टिव वोल्केनो की वजह से उस वोल्केनो से सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकलना बंद नहीं हुआ और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालात को देखते हुए फिर वहाँ का गवर्नमेंट ने उस जगह को खाली करने की कोशिश की, पर तब कुछ लोगों ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और गैस मास्क पहनने की आदत अडॉप्ट करके लोग उस आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिताने लगे। 2019 तक आइलैंड का पॉपुलेशन था 2,416, फिर भी वो आइलैंड धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस बन रहा है और हर साल हजारों लोग इस आइलैंड पर घूमने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। अब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करना।